हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। त्रिलोकपुरी के संजय झील के अंदर तमाम भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं सफाई अभियान के तहत। तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये त्रिलोकपुरी का ये संजय झील है जो कि पटपरगंज विधानसभा में पड़ती है। हम बता दें कि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में सफाई अभियान चलाया जा रहा है जो कि 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये चलाया जाएगा। दिल्ली में हर जगह जहाँ पर कूड़ा गंदगी पड़ी है वहाँ पर तमाम भाजपा कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और सेवा सप्ताह के तहत सफाइयाँ कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि संजय झील है त्रिलोकपुरी की जो कि पटपरगंज विधानसभा पड़ता है। यहाँ पर स्थानीय निगम पार्षद के साथ कृष्णानगर से जो पार्षद हैं संदीप कपूर व तमाम भाजपा कार्यकर्ता इस जगह पर मौजूद हैं और जो भी इस झील में जो गंदगी पड़ी है उस गंदगी को साफ कर रहे हैं और लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि साफ़ सफाई रखें और कूड़ा करकट ना फेंकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष सेवा सप्ताह मनाती है जो कि बीजेपी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस तक 14 तारीख तक चलता है ये कार्यक्रम। इसमें प्रतिदिन हम किसी न किसी विषय को लेकर सेवा, उसमें मेडिकल कैंप्स हैं, साफ़ सफाई है, झुग्गी बस्तियों में जाके बच्चों को पढ़ने की किताबें देना और ऐसे बहुत सारे सेवा के काम करते हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज जहां पानी इकट्ठा हो सकता है, तालाब हैं, बावड़ियां हैं, झील है, वहां जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रमदान कर रहे हैं, उन जगहों को साफ़ कर रहे हैं जिससे आने वाले बारिश के समय में जब पानी भरे तो स्वच्छ साफ पानी उनमें और ज़्यादा गहराई तक भर सके। तो ये पार्टी ने एक अभियान आज लिया हुआ है। क्षेत्र के मेरे क्षेत्र में सफाई करी जा रही है। हम ये सप्ताह बनाते हैं सफाई के लिए और सेवा पखवाड़ा कहा जाता है। हम लोग अम्बेडकर जयंती तक बनाएंगे ये और आज हम संजय झील के पास बना रहे हैं क्योंकि पशु पक्षी आते हैं इधर पानी पीते हैं। हम चाहते हैं कि ये सफा रहे और हम सफाई अभियान इस साइड शुरू कराएं। इस वजह से हम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से गंदगी देखेगी। बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी कि सबको सफा रहना बहुत ज़रूरी है, सहयोग करना MCD के संग और हम लोगों को सहयोग करना ज़रूरी है क्योंकि MCD ढाई कदम चले तो ढाई कदम जनता को भी चलना ज़रूरी है क्योंकि सफाई दोनों तरफ से होनी है। क्योंकि कर्मचारी सफाई करते हैं, आगे गंदगी होती रहती है, तो आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा जब भी सफाई हो पाई। आज हमारे पटपड़गंज वार्ड के निगम पार्षद और पटपड़गंज वार्ड के कार्यकर्ता ये सब मिलकर ये संजय झील की सफाई कर रहे हैं। ये DDA के अंतर्गत आती है और MCD के कर्मचारी DDA के कर्मचारी मिलकर इसको साफ़ कर रहे हैं कि जो पानी का स्रोत है वो नीचे तक जाए और जो पानी की समस्या है दिल्ली सरकार तो कोई गौर देती नहीं है। देखो जैसे जमुना किनारे DDA के माध्यम से तालाब बने जा रहे हैं, पानी के स्रोत को संजो के रखा जाए, ऐसी हम भी चाहते हैं इस क्षेत्र में संजय झील की सफाई हो। एक बहुत बड़ा एरिया है, बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो, जो नीचे जमीन इस तरफ जो पानी नीचे चला गया है ये ऊपर आए, तो हम सबका प्रयास है। हमारी पार्षद जी ने आज संकल्प लिया है कि हम सारा करके जाएंगे। आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा मीडिया के माध्यम से, तो आसपास के लोग भी यहाँ आएंगे और बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हमें इसको साफ रखना है।